और उसमें भी कम से कम किराया दे, तो ये क्रेडिट पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप को और खुसूसी तौर पर सिंध हुकूमत को जाता है कि जिसने ये सोच रखी। तो पूरी दुनिया में, मैं ये कह दूंगा पूरे अमेरिका में कोई भी ख्वातीन के लिए मखसूस इस तरह का ट्रांसपोर्ट निज़ाम नहीं है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मैं बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ, बरतानिया में नहीं है, पूरे यूरोप में ऐसे कोई इस तरह की सर्विस नहीं है सिर्फ ख्वातीन के लिए बस सर्विस हो, और पूरे गल्फ में भी नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत और जो हमारी लीडरशिप का जो विजन है वो हमेशा से वुमेन एम्पावरमेंट के लिए है, ख्वातीन के को उस तरह की सहूलतें मिले जिससे वो आराम से जो है अपना काम काज कर सके बगैर किसी फियर के साथ। तो यही विजन पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप का था, है। ट्रांसपोर्ट में और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किए हैं और भी आएंगे, दो दिन पहले ही मीरपुर खास में बस सर्विस स्टार्ट की और अब फिर दोबारा इंशाल्लाह ताला और मजीद भी बसेज आ रही है और प्रोजेक्ट हमारे अब आते ही रहेंगे, क्योंकि पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप चाहे उसमें प्रेजिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब हो, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हो या अजी फरियाद तारपुर साहब हो, पूरी पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस है कि इस महंगाई के दौर में जब महंगाई का तूफान है गरीब आवाम को आसान अच्छी कीमतों में जदीद तरीन जो सफरी सहूलियात मुयसर हों। मैं ये भी बताना चल रहा हूँ आज अगर आप अपने मोटरसाइकिल पे भी जाएं और किसी ऑफिस से घर जाएं तो आपको शायद पेट्रोल में ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप एयर कंडीशन बस में जाएंगे तो आपको जो है वो कम खर्चा करना पड़ेगा। एक और बात भी कर दूं कि हमारी जितनी भी बसेस चल रही हैं कराची में, चाहे वो BRT ऑरेंज लाइन चल रही हो, चाहे वो पीपुल्स बस सर्विस चल रही हो, चाहे हमारी EV बसेस चल रही हो या अभी नई ग्रीन बसेस है वो चल रही हो, उस सब में खवातीन के लिए मखसूस जगहें हैं। ये नहीं कि उन बसेस में खवातीन सफ़र नहीं कर सकती, लेकिन ये जो पिंक बसेस हैं ये वो बसेस इसमें कोई मर्द सवार नहीं हो सकता, इसमें सिर्फ और सिर्फ खवातीन ही जो है सवार हो सकती हैं। हमने लास्ट जब ये लॉन्च की थी लास्ट ईयर की और फिर आगे तकरीब भी चलेगी, तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।